gilly jumping, 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 gilly gilly. वही कराची ही ऐसी टीम है जो कि जीतने वो मैच कैसे आ सकती है वो हमें सिखा सकती है। वही कराची ही ऐसी टीम है जो कि टी ट्वेंटी में टेस्ट क्रिकेट खेलना सिखा सकती है। वही कराची ही ऐसी टीम है जिस खिलाड़ी की अगर वाइफ आ जाए तो वही सिर्फ उसी की ट्रॉफी आती है। भाई आज जिस तरह कराची वालों ने हमारे दिलों के साथ खेला है आज हम उन्हीं के ही दिलों के साथ खेलेंगे। तो यार वीडियो शुरू होने से पहले भाई क्रिक को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। कराची किंग्स लगा के विंग सबको लेके उड़ जाएंगे। आज बीएसएल का तीसरा मैच था यानी कि कराची किंग वर्सेस मुल्तान सुल्तान। भाई सभी को इंतजार था अपनी फेवरेट टीमों की अपने फेवरेट खिलाड़ी को देखने के लिए, लेकिन जब मैदान में आते हैं हमारे मोहम्मद रिजवान और शान मसूद टॉस के लिए तो भाई ऐसी खुशखबरी आती है कराची वालों के लिए क्योंकि यार शान मसूद जो है वो टॉस जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी टॉस जीत कर भी ये फैसला करते हैं कि भाई हमें सिर्फ बॉलिंग करनी है। पहले यार मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि भाई जो भी टॉस जीतेगा उसे चाहिए कि बहुत पहले बैटिंग करे। जिस तरह आप लोगों ने मुल्तान सुल्तान को बैटिंग दी है समझ लो कि आपने जो है वो मैच दे दिया पहला मैच। ये तो कराची वालों ने ऐसे मिसाल बना दी है कि भाई आप है मुझे मार। यार कराची किंग्स ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान को बैटिंग दी और बैटिंग करने के लिए हमारे मोहम्मद रिजवान और डेविड मलान। भाई डेविड मलान जो की डेब्यू कर रहे थे मुल्तान सुल्तान के लिए और मोहम्मद रिजवान आए, लेकिन यार मोहम्मद रिजवान की बैड लग थी जो की मीर अफजा की बोर्ड पर आउट होगी। ये तो अच्छी बात है की यार मीर अफजा ने शुरुआत में ही विकेट लेकर दे दी, लेकिन फिर पता नहीं ऐसे दो बंदे खड़े हो जाते हैं क्रीज पर जो कि आउट होने का नाम नहीं लेते, यानी कि डेविड मिलान और वीजा एंड्रीज जो कि पहली मरतबा डेब्यू कर रहे हैं वो भी मुल्तान सुल्तान के लिए। भाई मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जिस तरह उन्होंने पटाई की है कराची किंग्स वालों की, ना आउट हो रहे थे और ना इतना ज्यादा रश कर रहे थे, यानी कि ये समझो कि दोनों बैट्समैनों ने कराची किंग्स के बॉलर्स की धुलाई भी की साथ साथ और वही बिंदी भी निकाली। भाई तबेश शम्सी को मार पड़ी, डैनियल सैम्स को मार पड़ी, मीर अफजा को मार पड़ी, हसन अली को मार पड़ी, ना जाने कौन सा बॉलर आएगा जो की इन दोनों में से किसी को आउट करेगा। भाई इन दोनों ने जबरदस्त इनिंग्स खेली और इन दोनों ने ही 50-50 रन बनाए। इन दोनों ने जो है वो जबरदस्त इनिंग्स खेली और इन दोनों की रनों की वजह से जो है मुल्तान सुल्तान ने 20 ओवर्स में 185 रन बना दिए और भाई सबसे ज्यादा विकेट लिए किसने, सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने विकेट लिए और उसका नाम है डैनियल सैम्स और भाई मीर अफजा। बाकी सारे खिलाड़ी और बाकी सारे बॉलर जो है वो कराची किंग्स के फ्लॉप हो गए विकेट लेने में। और फिर आती है भाई कराची किंग्स की बारी। भाई सभी को इंतजार था कि भाई हमारे जो नए कैप्टन शान मसूद है वो भाई कुछ करेंगे क्योंकि वो भाई पहली मरतबा अपनी टीम को लीड करेंगे कराची किंग्स को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई शान मसूद और जेम ग्रीन जो है वो ओपनिंग करने के लिए आती है और 185 का टारगेट चेस करने के लिए आते हैं, लेकिन हमें क्या पता कि जेम ग्रीन जो है वो धोखा दे जाएंगे। जेम ग्रीन जो है वो शुरुआत में ही डेविड विली का शिकार हो गए, लेकिन उसके बाद आते हैं साध बेंग जो कि डेब्यू कर रहे थे कराची किंग्स के लिए, लेकिन वो भी डेविड विली के उसी आवाज में ही आउट हो जाते हैं। लेकिन कौन आता है फिर भाई, हम सबको पता है दी लेजेंड स्टार शुएब मलिक। फिर भाई इन दोनों की ऐसी पार्टनरशिप लगी शान मसूद और शुएब मलिक की, भाई यकीन करो दिल कर रहा था कि यार मैं टीवी बंद कर लूं, यकीन करो देखने का दिल नहीं कर रहा था जब शान मसूद जो है वो रन अप ऑन खेल रहा था, लेकिन जब शान मसूद आउट हुए यकीन करो भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने शुक्र अदा की कि भाई शुक्र है कि शान मसूद चद्दा बनाई क्योंकि यार 31 बोलों पे 30 रन, वो भी कैप्टन शान मसूद जो कि इस टीम को लीड कर रहा है। और भाई खुदा का होप करो यार ये T20 क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट नहीं है। मैं तो यार ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि किसने शान मसूद जो कि टेस्ट क्रिकेट टीम की कैप्टन है उन्होंने T20 का कैप्टन बना दिया कराची किंग्स के लिए। भाई कराची किंग्स के बुरे दिन शुरू हो गए, मैं तो यही कह रहा हूँ। भाई जैसे शान मसूद आउट हुए तो भाई आते हैं मोहम्मद अवान, लेकिन शुएब मलिक अकेले ही लड़ते रहे क्योंकि यार उनकी वाई वाई हुई थी उनको देखने के लिए क्राउड में मौजूद थी, तो भाई शुएब मलिक की हमें 50 देखने को मिलती है। सोचा यार अगर वो नहीं आई होती तो आज कराची किंग्स जो है वो 50 पे ऑल आउट हो जाती। भाई जब शुएब मलिक ने 50 रन बना लिए फिर आते हैं अब्बास अफरीदी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार ये उमर बोली बोली कर रहे हैं। भाई अब्बास अफरीदी ने एक ही ओवर में शुएब मलिक को भी आउट कर दिया और साथ में मोहम्मद नवाज को भी आउट कर दिया, फिर वही क्या हुआ होगा।
भाई जाहिर सी बात है फिर मैच इधर से उधर तक चला गया, यानी कि कराची किंग्स उस टाइम हार गई जब शोएब अली की विकेट गिर गई थी। भाई कराची किंग्स ने 20 ओवर में 130 रन बनाए और 8 विकेटों के नुकसान पर उस्ताद पहला मैच जीत चुकी है और कराची किंग्स पहला मैच हार चुकी है। भाई उनकी बोलिंग देख लो, यकीन करो ऐसा नहीं लग रहा था कि यार ये वही पिच है जिसपे मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग किया। भाई उनकी बोलिंग और कराची की बोलिंग में बहुत डिफरेंस था। मैंने पहले ही आप लोगों को कह दिया था कि कराची वालों जब भी आप टॉस जीतो भाई बैटिंग लेना इस पिच के ऊपर, क्योंकि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच ही ऐसी है कि जो भी टॉस जीतेगा उसे चाहिए कि बैटिंग ले, पहाड़ खड़ा करे, उसके बाद इनको जल्दी आउट कर दे। कराची किंग्स के पास ये मौका था कि भाई टॉस तो हमने जीता हुआ था, सिर्फ उनको बोलिंग देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। भाई शान मसूद भाई लेजेंड है, भाई इस हार का जो जिम्मेदार है वो सिर्फ शान मसूद ही है, यकीन करो। भाई पीएसएल का तीसरा मैच भी खत्म हो गया और मैन ऑफ द मैच जो है वो रिजा हेंड्रिक्स को मिला जिन्होंने शानदार इनिंग्स खेली। कल मैच होने वाला है लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। भाई लाहौर कलंदर जो कि पहला मैच हार चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड से और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कि पहला मैच जीत चुकी है पिशावर सर्विस से। अब देखना ये होगा कि यार इन दोनों में से कौन जीतेगा। भाई आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, लाहौर कलंदर को या फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, भाई कमेंट सेक्शन में बताओ। और इन दोनों की टीमों में से जो है वो आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप मैच रिव्यू के हवाले से बात करेंगे। तो यार अपना ख्याल रखो, मेरा भी ख्याल रखो। ओके अल्लाह हाफिज़।